रक्त कहाँ है? कुछ पानी हमारी किडनी और लीवर में मौजूद होता है। हमारे पेट, ब्लैडर यानी कि मूत्राशय और रीढ़ की हड्डियों में स्पाइनल फ्लूइड की तरह जमा होता है। हमारे दिल और दिमाग लगभग 75% तक पानी से बने होते हैं। वहीं हमारे फेफड़ों में लगभग 83% पानी मौजूद होता है। लेकिन पूरे शरीर में सबसे ज्यादा पानी हमारी सेल्स यानी कि कोशिकाओं में मौजूद होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी हड्डियां जो कि पूरी तरह सख्त और सूखी दिखाई देती है, उनके अंदर भी 31% तक पानी होता है। इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में सभी अंगों को अपना काम सही तरह से करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती ही है। और इसी वजह से एक व्यक्ति चाहे खाना खाए बिना लंबे समय तक रह ले, लेकिन पानी पिए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। पानी हमारे शरीर के लिए इतना अधिक जरूरी होने की वजह से हमें इससे जुड़े नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पानी पीने का तरीका, पानी पीने का समय और पानी पीने की मात्रा का हमारे शरीर पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से असर पड़ता है। हमें रोजाना कितना पानी पीना चाहिए, किस तरह पानी पीना चाहिए, किस समय पर और कैसा पानी पीना चाहिए, इन सभी बातों का हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी से जुड़े किसी भी तरह के नियम में लापरवाही बरतने से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जोड़ों में दर्द, कब्ज, माइग्रेन, त्वचा पर दाग धब्बे और पिंपल्स होना, बालों का झड़ना, लगातार पेट और आंतों से जुड़ी समस्याएं बने रहना, भोजन का ठीक तरह से न पचना, शरीर में कमजोरी और आलस रहना, रात में अच्छी नींद न आना, किडनी से जुड़ी बीमारियां, त्वचा में सूखापन और झुर्रियां होने के साथ साथ गैस, यूरिक एसिड, मोटापा और शरीर की नसों में कमजोरी आने जैसी लगभग 40 से ज्यादा बीमारियां सिर्फ पानी पीने से जुड़ी हुई गलतियों के कारण होती है। आजकल कई लोग इन समस्याओं से केवल इसलिए परेशान हैं क्योंकि वह जाने अनजाने पानी पीने से जुड़ी हुई जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और शरीर में हो रही किसी भी तरह की बीमारी के ठीक नहीं होने की वजह उन्हें कभी भी नहीं पता चल पाती। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में केवल पानी को सही तरीके से पीने की आदत डाल लेता है, वह हर मौसम में स्वस्थ और निरोगी बना रहता है। लंबी उम्र तक आंखें, हड्डियां, बाल और त्वचा जवान बनी रहती है, पेट हमेशा साफ रहता है और स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है। और इतना ही नहीं, कई तरह की बीमारियों को केवल पानी पीने का तरीका बदल देने से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। और सिर्फ पानी की मदद से ही बिना डाइट और एक्सरसाइज के 1 महीने में 5 किलो से ज्यादा वजन घटाया जा सकता है। पानी पीने से जुड़े हुए नियम वैसे तो बहुत आसान हैं, लेकिन इनके फायदे अद्भुत हैं। आइए जानते हैं हमें पानी कैसे और कितनी मात्रा में पीना चाहिए, कब कब और किस तरह पीना चाहिए और अलग अलग समस्याओं से केवल पानी के इस्तेमाल से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दिन भर में पानी पीने की मात्रा हर व्यक्ति के शरीर के आकार, वजन, फिजिकल एक्टिविटी और मौसम पर निर्भर करती है। रोजाना हमारे शरीर से पेशाब, मल और पसीने के जरिए पानी लगातार कम होता रहता है और साथ ही बोलने और सांस लेने की प्रक्रिया में भी शरीर का पानी भाप बनकर बाहर निकलता रहता है। इस तरह से हम रोजाना 2 से 3 लीटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए सामान्यतः एक पुरुष को दिन भर में 2.5 से लेकर 3.5 लीटर तक पानी पीने की सलाह दी जाती है और महिलाओं को 2 से 3 लीटर पानी पीना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप रोजाना सुबह या शाम के समय वर्कआउट करते हैं तो उस स्थिति में पानी की मात्रा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए और खासकर गर्मियों में बताई गई मात्रा से थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए। ज्यादा पानी पीना वैसे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन शरीर में पानी की जरूरत से ज्यादा अधिकता हमारी किडनियों के लिए हानिकारक भी हो सकती है। आप दिन भर में सही मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं, इसे पेशाब यानी कि यूरिन के कलर से पहचाना जा सकता है। अगर आपके पेशाब का रंग पीला है तो यह निशानी है कि आपका शरीर डिहाइड्रेटेड है और आपको पानी पीने की आवश्यकता है। वहीं अगर आपकी यूरिन का कलर पानी की तरह साफ होता है तो यह दर्शाता है कि आपकी बॉडी पूरी तरह हाइड्रेटेड है। हमें पानी कब कब पीना चाहिए, इससे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गलत समय पर पानी पीने से हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी सेहत और पानी से मिलने वाले सभी तरह के पोषक तत्वों का पूरी तरह लाभ उठाने के लिए अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी की जगह पानी से करें। चाहे प्यास लगी हो या न लगी हो, रोजाना सुबह उठकर 1 से 2 ग्लास यानी कि लगभग 500 ml पानी जरूर पिएं।
खाली पेट पानी पीने से हमारे पेट और आंतों की अच्छी तरह से सफाई होती है और साथ ही रात भर में जमा हुई मुंह की लार भी पेट के अंदर पहुंच पाती है। आयुर्वेद में सुबह सुबह बनने वाली मुंह की लार को सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि सुबह के समय बनने वाली मुंह की लार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी तरह के एंजाइम्स होते हैं, जो कि खाली पेट पानी पीने से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारी सेहत पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। एक ग्लास में लगभग 250 ml पानी आता है और इस तरह दिन भर में 2.5 से लेकर 3 लीटर पानी पीने के लिए सुबह खाली पेट 2 ग्लास यानी कि 500 ml, एक ग्लास नाश्ते के आधे घंटे बाद, एक एक ग्लास दिन के खाना खाने के 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद, 2 ग्लास पानी शाम के समय एक एक घंटे के अंतराल में और एक एक ग्लास रात के खाने के 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद पिए। इसके अलावा अगर आप रोजाना जिम या वर्कआउट करते हैं या आपकी जॉब में बाहर घूमना, चलना फिरना या शारीरिक काम करना शामिल है, तो काम करने के दौरान बीच बीच में आधा आधा ग्लास करके लगभग 2 ग्लास पानी जरूर पिए। यह तो हो गई बात हमें कब कब पानी पीना चाहिए। अब जानते हैं हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए। कभी भी खाना खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद पानी न पिए, क्योंकि ऐसा करने से खाया हुआ भोजन ज्यादा पतला हो जाता है और खाना ठीक से नहीं पच पाता। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के पहले निवाले के साथ ही उस खाए हुए भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि पाचक रस बनना शुरू हो जाते हैं। पाचक रस अपनी गर्मी से पेट में मौजूद भोजन को पचाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से हम कच्चे खाने को गर्म करके पकाते हैं। खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से खाना ठीक तरह से पचने की जगह सड़ने लगता है और गैस बनने लगती है। अगर आपका दिन भर बैठने का काम है तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की वजह से बनी गैस हमारे शरीर के दूसरे अंगों में भी जाकर जमा हो सकती है, जिसकी वजह से समय के साथ साथ पेट, सर और जोड़ों में दर्द रहने की समस्या होने लगती है। पेट का खाना नहीं पचने की वजह से जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह है एसिडिटी, और जो लोग लगातार खाना खाते ही पानी पी लेते हैं उन्हें लंबे समय तक पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर लगातार पेट का खाना ठीक तरह से नहीं पचे तो इसके चलते शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है और साथ ही यह शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को भी बढ़ाता है। इसलिए कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद या पहले पानी न पिए, हमेशा खाना खाने के 40 मिनट से 1 घंटे बाद ही पानी पिए। अगर आप बहुत ज्यादा सूखा भोजन करते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद 2 से 3 घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा पानी पीने का मन करे तो पानी पीने की जगह छाछ, नींबू पानी या सीजनल फलों का जूस पिया जा सकता है। इसके साथ ही रात के भोजन के बाद पानी की जगह दूध का सेवन करें। जब भी आप सुबह के समय खाली पेट पानी पिए तो हमेशा इसे पेशाब करने के पहले ही पी लें, और ठीक इसी तरह दिन में हर समय पानी पेशाब करने के तुरंत बाद कभी ना पिए, क्योंकि जब हम पेशाब करते हैं तो हमारे शरीर के अंदरूनी अंग तेजी से सिकुड़ते हैं और ऐसी स्थिति में तुरंत पानी पी लेने से अंदरूनी अंग और नसें कमजोर होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पेशाब न रोक पाने और पानी ठीक से न पचने की समस्या पैदा हो जाती है और पानी पीते ही बार बार पेशाब आने लगती है। चाय या कॉफी जैसी गर्म चीजों के तुरंत बाद ठंडा पानी न पिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे गले और टॉन्सिल्स को नुकसान पहुंचता है। ठीक इसी तरह ठंडी ताशीर वाले फल, खट्टे फल या जिनमें पहले से ही अधिक मात्रा में रस पाया जाता है उन्हें खाने के तुरंत बाद पानी पीना अवॉइड करें, क्योंकि पानी पी लेने से वह हमारे पेट में पूरी तरह पच नहीं पाते, जिसकी वजह से सर्दी, खांसी और पेट खराब होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है।